नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, चर्चा और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। या तो आदमी प्यार मोहब्बत में बहुत लंबा इंतज़ार करता है या तो राजनीति में। सियासत ऐसी चीज़ ही है कि मन में दर्द चाहे जितना हो लेकिन बोल नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार अभी तक प्रतीक्षित है और यह विस्तार रहस्यमयी होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उनके जो सहयोगी दल हैं उनको इंतज़ार बहुत खल रहा है। उनसे बड़े सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब उनके पास नहीं है। उन्होंने पहले कई तारीखें दी लेकिन उसके बाद भी वो मंत्री नहीं बन पाए। एक ओर मंत्रिमंडल का विस्तार टल रहा है, दूसरी ओर मिशन 80 की जो तारीख है लोकसभा चुनाव की वो लगभग नज़दीक आ रही है। ऐसे में जो भाजपा के नए नए दोस्त हैं ओपी राजभर, उनकी उम्मीदें लगातार जागती रहती हैं और उन्हें लगता है कि अब तक तो जो हुआ हुआ, अब दिसंबर का महीना नहीं कटेगा, इस बार तो वो शपथ लेने में कामयाब हो ही जाएंगे। अभी जो चर्चा आई है उसमें ये है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 3 तारीख के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेगा, ध्यान देगा और 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच यूपी में नए मंत्री बनाए जा सकते हैं कि उस समय करीब 8 मंत्रियों के पद उत्तर प्रदेश सरकार में खाली हैं। चाहे तो सरकार 8 लोगों को बना सकती है और इसमें पिछले 5 महीने से मिनिस्टर इन वेटिंग की तरह चल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। उनका नंबर एक पर नाम तो है लेकिन योगी सरकार में खाली सहयोगी दलों के अलावा बीजेपी से भी कई लोग मंत्री बनने की लिस्ट में हैं और उनको भी शपथ लेने का इंतजार है। तो लोग दिल्ली तक अपनी दौड़ लगा रहे हैं, बड़े बड़े शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं। आप देखेंगे कि इस लिस्ट में राजेश्वर सिंह को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। श्रीकांत शर्मा जो पहले ऊर्जा मंत्री रहे हैं वो भी इस विस्तार में जगह पा सकते हैं। श्रीकांत शर्मा मथुरा से हैं। पूर्व में मंत्री रहे योगी सरकार में सिद्धार्थनाथ सिंह भी मंत्री बनने की लाइन में हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी से आकाश सक्सेना जो रामपुर से आते हैं उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट है, संशय है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिस पर आज तक बयान नहीं दिया वो है दारा सिंह चौहान को इस सरकार के विस्तार में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर काफ़ी विरोधाभासी स्थितियाँ हैं। ओम प्रकाश राजभर अपना तो मंत्री बनने का दावा करते ही हैं, साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हम तो बनेंगे वो और दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनेंगे। हालांकि 5-6 बार इस बीच वो मुख्यमंत्री से मिल चुके, मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिल चुके, कई बार ये हुआ कि अब विस्तार हुआ तब विस्तार हुआ लेकिन आज तक विस्तार नहीं हुआ। तो विस्तार की ये कहानी अब लगता है समापन की ओर है और जैसे ही 4 राज्यों के 3 तारीख को चुनाव परिणाम घोषित होंगे, चूँकि 5वां राज्य मिजोरम है जिसमें काउंटिंग 4 दिसंबर को होनी है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। तो अब फर्क का टाइम आ गया है। ओम प्रकाश राजभर के साथ कितने लोगों की लॉटरी लगेगी, कितने नए चेहरों को मौका मिलेगा, ये 5 से 10 दिसंबर के बीच लगता है कि अब ये मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा कर लिया जाएगा। अब बात खाकी और खादी के गठजोड़ की, यानी कि पुलिस